ब्रिजभूषण शरण सिंह हमारे भगवान है। गंगा जी भी खड़ा होकर बोल देगा ना नेताजी के बारे में, तो हम लोग नहीं मान सकते। अंतर जाने से अगर निर्णय मिल जाता है, कैसे आप बोल सकती हैं कि, सुनो चुप रहो, कैसे आप बोल सकती हैं कि वो लोग सत्य हैं? हम भी आरोप लगा देंगे, हम भी रो सकते हैं। कुल जब वो 400 ट्रैक्टर लाएंगे तो एक बुलडोजर 100 ट्रैक्टर पे भारी है, के लिए जान देने के लिए भी हाजिर है। हमारे माननीय सांसद जी, हम उनको भगवान मानते हैं, उनका फोटो लगाए हैं, पूजा करते हैं उनको। बजरंग पुनिया गए, उनसे हो रहा है क्या आजकल? और साक्षी मलिक को आपने देखा होगा, लेके आ रही हैं, इसे फोटो खिंचवा रहे हैं सांसद के साथ। मतलब क्या है, हंसी हंसी फोटो खिंचवा रहे हो खुशी खुशी तुम यहाँ पे मेडल के बाद, उसके बाद बाद में तुम्हारे साथ रेप हो रहा है और ये हो रहा है, यूं सोचो हो रहा है तुम्हारा। 12 साल तक क्या चल रहा है आपके साथ? 12 साल तक आपको ये नहीं पता कि आपके साथ यूं सोचो हुआ है? या 12 साल पहले आपकी आवाज़ें नहीं उठ रही थी? मंत्र पहलवान बैठे हैं, अरे उनको शर्म आनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं डूब के चुल्लू पर पानी में मर जाएं, ऐसा गलत आरोप लगाते टाइम पे। मेडलिस्ट हैं, अरे शर्म आनी चाहिए। मेडल वेडल छीन के घर में रख दो। कह तो रहे कि हमें मेडल चाहिए। अरे हाँ, हम तो कहते हैं चाहिए नहीं, वापस करो। कहा नहीं वापस कर रहे, चाहिए नहीं, अरे चाहिए नहीं। अरे बजरंग पुनिया क्या कह रहे थे, मैं बजरंगी हूँ। अरे बजरंग बलिक नाम भी खराब कर रहे हैं फालतू का, बजरंग बलिक भी नाम खराब कर रहे हैं। 1 साल पहले बयान दे रहे हैं, जब से सांसद जी आए तब से कुर्सी के मामले में इम्प्रूवमेंट हुआ है, कुश्ती हमारी बहुत आगे जा रही है। और क्या है कि आशीर्वाद चाहिए हमें सांसद जी का, हमें क्या पूरे हरियाणा को आशीर्वाद चाहिए। अब वो हरियाणा का आशीर्वाद कहाँ जा रहा है, अब वो आशीर्वाद नहीं चाहिए। अभी 1 साल पहले का बयान है बजरंग पुनिया का, मेडल जीतने के बाद का। क्या है, पीटी उषा के साथ भी गलत हुआ है, अब बताइए पहलवान वो कह रहे हैं उनके साथ गलत हुआ, शर्म करनी चाहिए। पीटी उषा जी भी तो मेडलिस्ट हैं, उनके साथ मतलब गलत किया सीधे, उनको मतलब उनके साथ इधर उधर हाथ मारना ये सही चीज़ है? हाँ भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विश्वजीत कुमार सिंह है। आपका नाम? मोहम्मद फैज अकरम। आप दोनों इसी कॉलेज से हैं? जी जी, मैं इसी कॉलेज से हूँ, बिहार से हूँ। कॉलेज का नाम बताएंगे? नंदीनगर महाविद्यालय पीजी कॉलेज, नवाबगंज। आपका नाम? शुभ। मोहम्मद फैज अकरम। ठीक है, मोहम्मद फैजा अकरम। अच्छा मोहम्मद फैज अकरम जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि ये जो नंदनी नगर कॉलेज है, इसके जो मालिक हैं आप, ये के कर्ता धर्ता कह सकते हैं कौन है? ब्रिजभूषण शरण सिंह, सांसद शरण सिंह जी। आपको पता उन पर क्या आरोप लगे? जी लगे हैं, उत्पीड़न का है, महिला उत्पीड़न का आरोप लगा हुआ है। देखिए राय क्या रखते हैं, लेकिन गलत है। अगर उत्पीड़न रहता तो ये कोर्ट पर छोड़ दिया जाए। आपको जब कंप्लेन की, आपका FIR दर्ज हुआ तो आप कोर्ट पर छोड़ दीजिए, आप कानून पर छोड़ दीजिए, अब वो फैसला करेगी। सही होगा सही होगा, गलत गलत होगा, तो फिर आप बैठे क्यों, आप उठिए वहाँ से। अब वो कह रहे हैं अब हमें इस्तीफा चाहिए। अब इस्तीफा कोई ऐसी इस्तीफा थोड़ी दे देगा। अगर आप पे कोई इल्जाम लगाए, आप कहीं पोजिशन पर, आप इस्तीफा दे दीजिएगा। कोई अपनी नौकरी छोड़ देगा? क्यों छोड़ेगा? जब प्रूफ हो जाएगा तब बात आगे बढ़ेगा। यदि कोर्ट में गया है ना, कोर्ट अपना देखेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। कह रहे हैं कि अगर एक अकेला गलत हो सकता है, इतने सारे लोग, अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं वो आ गए, राकेश टिकैत किसान नेता के आ गए, क्या हो जाएगा? अगर हम तीनों आप पर आरोप, अगर हम तीनों आप पर आरोप लेते, आप गलत हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल अपने दिल्ली को संभाले हैं, उनसे दिल्ली तो संभाल नहीं रहा है, और UP और नेताजी को देखने के लिए जाने से निर्णय मिल जाता है तो हम लोग भी जंतर मंतर दूर नहीं है। हम लोग भी यहाँ से निकलेंगे, 10% भी निकलेंगे तो बहुत निकलेंगे। दिल्ली में जगह नहीं बचेगा जब क्षत्रिय समाज एक्टिव होगा ना। क्षत्रिय समाज? हाँ, क्षत्रिय ओमकार कुमार सिंह, बिहार आरा जिला, आरा जिला से क्षत्रिय समाज भी आ रहा है, यूपी से तो जाएगा ही, और उत्तर प्रदेश से पूरा क्षत्रिय समाज। जब नेताजी का आदेश हो जाएगा उस दिन हम लोग चल देंगे। कौन नेताजी? माननीय हमारे ब्रिजभूषण सिंह, हमारे माननीय सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह नेताजी, हमारे पूजनीय। जिस दिन आदेश हो जाएगा हमारे यूपी बिहार से क्षत्रिय समाज चल जाएगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह हमारे भगवान है। राजनीतिक नहीं होता तो अपना पलवान बैठ के धरना देते, कोर्ट में केस किए, उसका इंतजार करते हैं फैसला का, और वहाँ पे पप्पू यादव बिहार से पहुँच जा रहे हैं। पप्पू यादव का क्या अस्तित्व है, उनको कोई जानता है बिहार में? उनका कोई विधायक है बिहार में? पहुँच गए वहाँ पे अपना राजनीति करने के लिए, क्या उनका विधायक कोई बन जाए? कह रहे हैं हम न्याय के साथ हैं, हमें न्याय चाहिए। क्या जाए, कुश्ती के बारे में कौन जानते हैं? पप्पू यादव अपनी बेटियों के साथ हैं। बेटियों के साथ कुश्ती के बारे में कौन जानते हैं? पप्पू यादव कह रहे हैं कि साक्षी मलिक के आंसू देखे नहीं जा रहे हमसे। अच्छा, आंसू नहीं देखे जा रहे हैं? अब बिहार में क्या हो रहा है पहले बिहार को देखिए ना, और साक्षी मलिक को देखने गए हैं, अपने राजनीति की रोटी सेकने गए हैं। देखने नहीं गए, वो साथ में खड़े थे अपनी बेटियों के सर पे हाथ रख के कह रहे थे कि बेटा तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ। अरे तो कोई बेटी, आप मान लीजिए एक लड़की है, हम लोग पुरुष हैं, जरूरी है कि सब लड़की सही है? गलत भी तो आरोप लगा सकती हैं। ठीक है, अगर सही रहती तो केस कर दी कोर्ट में, तो उसके बाद आप चली जाइए घर। न्याय पे विश्वास है ना आपको? कह रहे इस्तीफा देना है,
इस्तीफा देना है। क्यों इस्तीफा देना है? उन्हीं के चलते क्या पहले बोल रहे कुश्ती संघ से अध्यक्ष से इस्तीफा, ये सांसद वही सांसद बनाई है नेताजी को, वोट देने आई हैं कि सांसद बनाई है, इस्तीफा मांग रही हैं, उनका कोई हक है इस्तीफा मांगने का? क्या पता भैया 1% सच हो, क्या पता? ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है मैडम। कोई हम कोई गंगा जी भी खड़ा होकर बोल देगा ना नेताजी के बारे में, तो हम लोग नहीं मान सकते। अच्छा, आपके घर से थोड़ी बृजभूषण शरण सिंह जी जो आप इतने भरोसे से बोल रहे हैं? एकदम बोल रहे हैं, हम 4 साल से यहाँ कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अच्छा। और हम नेताजी, हम इतने गरीब हैं कि हमारा फी भी माफ किए हैं, इतना। और वो गरीब के नेता हैं, गरीब के नेता। एक बार गए बोले कि नेताजी हम लोग गरीब परिवार से हैं, हम लोग फीस भरने में असमर्थ हैं। बोले बेटा तुम फ्री में पढ़ेगा, हम लोग फ्री में पढ़ते हैं। सही बोल रहे हैं, मेरा भी फीस माफ हुआ है। देख लीजिए कॉलेज में मेरा फीस माफ है, हम फ्री में पढ़ते हैं, हम प्रैक्टिकल करते हैं, नंदिनी कॉलेज का नाम भी करते हैं। हाँ जी मैम, इसी कॉलेज से हैं। कभी कुछ यही? हाँ मेरा भी फी माफ है। हाँ अरे हम लोग गरीब परिवार से एकदम है मैडम, एकदम गरीब परिवार से हम लोग आए हैं यहाँ पढ़ने के लिए। वो लोग जो धरना पे बैठे हैं वो झूठा आरोप है मैडम। कैसे झूठ बोल जाने से अगर निर्णय मिल जाता है तो कैसे आप बोल सकती हैं कि सुनो चुप रहो, कैसे आप बोल सकती हैं कि वो लोग सत्य हैं? हम नहीं बोल रहे सत्य, अपना बार बार पलट जा रहे हैं। कभी बोलने की 5 लड़कियों के साथ हुआ, कभी 100, कभी 1000, ये कहाँ से लड़की आ रही है भाई? अच्छा, आंसू कभी झूठा हो सकता है जो पदक जिताया? हम भी यहाँ बैठ के रो सकते हैं, हम भी बैठ के रो सकते हैं, हम भी आरोप लगा देंगे, हम भी रो सकते हैं। अच्छा, तो आपको लग रहा है वो ड्रामा कर रही है? एकदम राजनीति है, उनको टिकट चाहिए। किस आधार पे बोल रहे हैं? वहाँ पे पूरे राजनीति दल के नेता आ रहे हैं, पूरे नेता आ रहे हैं, उनका समर्थन विपक्षी दल कह रहे हैं। हम तानाशाही खत्म करने हैं। क्या तानाशाही, कहाँ तानाशाही है? मोदी योगी बृजभूषण योगी जी देखिए यूपी को सुधार दिए, योगी जी यूपी को सुधार दिए हैं, अब कितना अच्छा चाहिए। यही बिहार में बीजेपी का सरकार आ जाएगा ना तो बिहार भी सुधर जाएगा, आपको बोल दे रहा हूँ। अच्छा, हाँ एकदम एकदम बीजेपी बिलभूषण जी को तो गुंडा भी बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है गुंडा? मुंह से बोलने से कोई कुछ भी बोल देगा तो हो जाएगा, मुंह है, मुंह से कोई कुछ भी बोलता है। बिल्कुल, जब वो 400 ट्रैक्टर लाएंगे तो एक बुलडोजर 100 ट्रैक्टर पे भारी है। जैसे बोला जाता है कि एक बिहारी 100 पे भारी, तो वैसे ही खाप जो है ना तो एक बिहारी 100 पे भारी है। हाँ उत्तर प्रदेश बिहार सब एक्टिव हो गया है, क्षत्रिय समाज। आप इन लोगों के साथ हैं? जी साथ में, साथ पढ़ते हैं, क्लास करते हैं, क्लास साथ में करते हैं आपके। आप क्षत्रिय समाज के साथ हैं? जी बिल्कुल साथ हैं, अगर जो सही रहेगा सही के साथ हैं, गलत साथ नहीं रहेंगे। अभी तो वही तो बात है, अभी जांच पड़ताल होना है तब भी आप लोग अभी। हम लोग कहाँ जा रहे हैं धरना पे? हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग कहाँ धरना पे जा रहे हैं? धरना पे देखी है क्षत्रिय समाज को? नहीं जाएंगे जब तक नेताजी का आदेश नहीं होगा, हम लोग सिपाही हैं, नहीं जाएंगे। अच्छा, उनके सिपाही हैं? जी बिल्कुल सिपाही हैं। जिनके कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं, जो इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उनके लिए जान देने के लिए भी हाजिर हैं। एक बार आप लोग मन में नहीं हुआ कि जो दीदी लोग बैठी हैं उनसे एक बार ही पूछ ले? कैसी दीदी, कैसी दीदी, कौन सी दीदी? हमारे माननीय सांसद जी, हम उनको भगवान मानते हैं, उनका फोटो लगाए हैं, पूजा करते हैं उनको, हम उनको पूजा करते हैं, सुबह में उठकर उनका प्रणाम, राम है हमारे लिए, उनको हम पूजा करते हैं। नंदिनी माता को हम लोग सुबह जाके प्रणाम करते हैं प्रतिदिन। हाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इनके इनसे पूछ लेते हैं। आपका नाम क्या है भैया? अंकित शुक्ला नाम है मेरा मैम जी। मैं बलरामपुर शुक्ला, मैं बलरामपुर से बिलोंग करता हूँ। परमानेंटली मैं कानपुर में पढ़ रहा हूँ, ज्ञान कोचिंग सेंटर में तैयारी कर रहा हूँ कम्पिटिशन एग्जाम की। और साथ में मैं क्या है कि मतलब रेसलिंग में भी मैंने भाग लिया है, और मैंने मतलब कई चीज़ों में धीरे धीरे सीखा है सब चीज़ें, हर एक खेल के सेक्टर में गया हूँ, क्रिकेट भी खेला है। और क्या है कि मैं सांसद जी से मतलब पर्सनली तो नहीं, लेकिन प्रतीक जी से मैं पर्सनली मिला भी हूँ, और ऐसा कोई भी नेचर नहीं जो सांसद जी का हो या किसी और का हो, ऐसे कोई नेचर सामने नहीं आए हैं। और ये गलत आरोप लगा के क्या सिद्ध क्या करना चाह रही हैं? मतलब अगर ठीक है लड़कियों के साथ हो रहा था ठीक है, उसमें एक दिनेश फोगाट जी का बयान आया है कि लड़कियों को छोड़िए लड़कों के साथ भी सांसद जी ने गलत काम किया, अब क्या लड़कों का यूं सोच हो रहा है? बजरंग पुनिया का यूं सोच हो रहा है क्या आजकल? और तो रहे? एक साल पहले का बजरंग पुनिया का बयान आया था, जब से बृजभूषण जी हमारे बने हैं फेडरेशन अध्यक्ष, तब से देश में मेडल आ रहा है और अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी सुधार हो रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है, और अब वो इम्प्रूवमेंट कहाँ चला गया? एक साल बाद वो इम्प्रूवमेंट सब गिर गया है, अब वो गिर गया। क्या है कि महावीर फोगाट जो हैं उनके परिवार पे सीधा वो आरोप लगा रहे हैं, महावीर फोगाट का परिवार जो है वो चाह रहा है फेडरेशन अध्यक्ष कोई हरियाणा का आदमी बन जाए।
इसलिए आप सोच रहे हैं कि ये सारा चक्रव्यूह है? हाँ, ये एक तरीके का चक्रव्यूह है, वो भी राजनीतिक चक्रव्यूह है। अब ये बताइए, राकेश टिकैत पहले किसान के मामले में जा रहे हैं, अब जंतर मंतर धरने पर राकेश टिकैत यहाँ से पहुँचे हैं, उनको क्या पता है इस मामले में क्या हो रहा है? अरे उनको तो पहलवानी का एबी भी नहीं पता है, वो गए हैं वहाँ पे धरना दिए हैं, जंतर मंतर वो आएंगे जंतर मंतर में बैठेंगे। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जो तानाशाही कर रही थी, हम अपने बच्चों के साथ जो पदक वीर है, जो पदक लेकर आते हैं, हमारे देश का मान बढ़ाते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। अरे तो पदक नहीं, ये पदक वीर के साथ खड़े हैं, और जो बंदा पदक वीर जो दिलवाने का जिसका हकदारी प्राप्त कर रहा है उसके ऊपर यहाँ पे केस चल रहा है, जिसने पदक दिलवाया उसके ऊपर तो केस चलाया जा रहा है, और वो वहाँ पे जाके मतलब जिनको ये भी नहीं पता है वो यहाँ पे 2 साल तो धरना दिए बैठे थे कोरोना काल में। अरे किसी कोरोना हो जाता मर जाता, जबरदस्ती धरना बदलवाए बैठे थे वो। किसान बनने अपने आप को कैसे किसान है, यहाँ पे किसान आदमी मर रहा है, आके देखें यहाँ गोंडा बलरामपुर में तो इन्हीं कृपा है सांसद जी की चल रही है सब कुछ। क्या गोंडा बलरामपुर, क्या बहराइच, क्या कैसरगंज, कहीं का भी मामला उठा लीजिए, और वहाँ पे जाके मतलब वहाँ पे अपना दिखा रहे हैं। हाँ। आप ये कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह एक अच्छे और पाक साफ आदमी है, और क्या नहीं पाक साफ। अरे इसमें हम नहीं कह रहे हैं, आप छोटे छोटे बच्चे से पूछ लीजिए जाके, गोंडा बलरामपुर बहराइच श्रावस्ती यहाँ तक कि कानपुर में हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पे भी धरना प्रदर्शन हो रहा है लगातार। हमारे सांसद कैलाश नाथ, हमारे विधायक जी, मामा जी खुद हमारे घर जा चुके हैं सांसद, ऐसा गलत आरोप लगाया जा रहा है मैडम। आप लोगों को गलत क्यों लग रहा है, आपको 1% भी नहीं लगता कि हो सकता है, 0% कुछ तो बात हो? नहीं मैम, मैं कहता हूँ मुझे लगता जब पहले बयान आया था विनेश फोगाट का कि मेरे साथ हुआ है, मुझे बेशक लगता। अब विनेश फोगाट का बयान आ रहा है मेरे साथ नहीं, साक्षी मलिक के साथ हुआ है, उसके बाद पास्को एक्ट लगा है, मतलब नाबालिग लड़की के साथ हुआ है, और यहाँ पे पता नहीं आप नंदनी में देख लीजिए, शक्ति स्मारक में देख लीजिए, या जितने भी कॉलेज चल रहे हैं उसमें भी तो नाबालिग लड़कियाँ पकड़ रही हैं। आपको नहीं लगता ये चीजें जो आप बोल रहे हैं? और साक्षी मलिक को आपने देखा होगा लेके आ रही हैं, इसे फोटो खिंचवा रहे हैं सांसद के साथ, मतलब क्या है, हंसी फोटो खिंचवा रहे हो खुशी तुम यहाँ पे मेडल के बाद, उसके बाद में तुम्हारे साथ रेप हो रहा है और ये हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है तुम्हारा, 12 साल तक क्या चल रहा है आपके साथ? 12 साल तक आपको ये नहीं पता कि आपके साथ यौन शोषण हुआ है, या 12 साल पहले आपकी आवाज़ें नहीं उठ रही थी? पर उनसे भी पूछना चाहिए क्या उनके दिल का दर्द है, क्या है, किनके दिल का दर्द? जंतर मंतर पे पहलवान बैठे हैं, अरे उनको शर्म आनी चाहिए, हम तो कह रहे हैं डूब के चुल्लू पर पानी में मर जाएं, ऐसा गलत आरोप लगाते टाइम पे, मेडलिस्ट हैं, अरे शर्म आनी चाहिए, मेडल वेडल छीन के घर में रख दो। वो कह तो रहे हैं कि हमें मेडल चाहिए। अरे हाँ, हम तो कहते हैं चाहिए नहीं, वापस करो, कहे नहीं वापस कर रहे, चाहिए नहीं। अरे बजरंग पुनिया क्या कह रहे थे, मैं बजरंगी हूँ, अरे बजरंग बलिक नाम भी खराब कर रहे हैं फालतू का, बजरंग बलिक भी नाम खराब कर रहे हैं, 1 साल पहले बयान दे रहे हैं, जब से सांसद जी आए हैं तब से कुर्सी के मामले में इम्प्रूवमेंट हुआ है, कुश्ती हमारी बहुत आगे जा रही है, और क्या है कि आशीर्वाद चाहिए हमें सांसद जी का, हमें क्या पूरे हरियाणा को आशीर्वाद चाहिए, अब वो हरियाणा का आशीर्वाद कहाँ जा रहा है, अब वो आशीर्वाद नहीं चाहिए, अभी 1 साल पहले का बयान है बजरंग पुनिया का, मेडल जीतने के बाद का, मेडल जीतने बात का है। हमें पता नहीं था कि ऐसा कुछ बृजभूषण जी कर रहे हैं, मैं आंसू देखकर मैं खुद बहुत मैं दर्द में हूँ साक्षी मलिक के साथ। आंसू अगर देख रहे हैं तो सड़क पे मांगती हैं औरतें, सड़क पे जब वो खड़ी होती है मांगने के लिए तो उनके आंखों में भी आंसू रहता है, और वह सड़क चलते बता देती है, नेता को गाली दे देती है कि नेता ऐसे है नेता वैसे है, नेता हर आदमी के उस पर तो जा नहीं सकता है, ना हर आदमी की जान छू सकता है, वो अपनी पूरी जनता को लेकर चलेगा ना। और क्या है कि अब ये है कि अब उत्तर प्रदेश के जो पहलवान हैं वो भी उभरने लगे हैं धीरे धीरे, सांसद जी की कृपा है ये कि अब उत्तर प्रदेश के लड़के भी सोच रहे हैं कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाए पहलवानी में, वो जा रहे हैं धीरे धीरे, तो अब उनके ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि वो उत्तर प्रदेश को भी आगे ले जाना चाह रहे हैं, बहुत पिछड़ा था ना उत्तर प्रदेश, जब से योगी जी आए हैं और थोड़ा मतलब भाजपा का वो क्रेज बढ़ा है तब से थोड़ा सा जाके उत्तर प्रदेश भी उभरने लगा है, तो अब ये राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं एक तरीके के, यार ये राजनीति चली जा रही है, पहले आप भाजपा के पक्ष में बयान देते हैं, देन आप अब जब कांग्रेस का आदमी आपके सपोर्ट में पहुंच गया, राहुल गांधी जैसे लोग जब सपोर्टर पहुंच रहे हैं, अरे अरविंद केजरीवाल को छोड़िए वो तो चूतिया आदमी है। नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसे नहीं बोलते, दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो, थोड़े मुख्यमंत्री है, अरे शब्दों का क्या, दिल्ली के अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो उनको शर्म आए, दिल्ली कैसे मुख्यमंत्री, चप्पल मार दिया जा रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको चप्पल फेंक के मारा जा रहा है। वो भी कह रहे कि हम अपने पहलवानों के साथ पदकवीरों के साथ हैं। अरे हाँ, वो पदकवीरों के साथ काहे ना रहे भाई, पंजाब के वो मुख्यमंत्री हो गए ना, वहाँ पे खालिस्तानी लोग बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, वहाँ के वो मुख्यमंत्री हैं तो पदकवीरों के साथ ही आएंगे, क्योंकि जो गलत आरोप लगाता है उसी के साथ होते हैं, वो कब चाहेंगे कि मतलब देश तरक्की करे। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है कि वो धरना पे बैठे हैं पहलवान? हम बता रहे हैं सीधी सी वजह ये है कि वो हरियाणा का फेडरेशन अध्यक्ष देखना चाह रहे हैं, राजनीति
इसमें राजनीति में जाति भी आ रही है बीच बीच में। बीच बीच में जाति आ रही है, अभी ये क्या है मेरठ में और हरियाणा में ये हो रहा है, जाट के बीच में और राजपूतों के बीच में लड़ाई भी हो रही है कुछ। हाँ अभी ये बीच में कानपुर में भी कुछ जाट मारे वारे गए हैं, कुछ बोल दिया था, बयान दे दिया था, तो कानपुर में भी कुछ जाट लोग। पीटी उषा भी गई थी वहाँ पे पहलवानों से मिलने के लिए, वो देखा आप लोगों ने? हमने देख वो क्या है, पीटी उषा के साथ भी गलत हुआ है, अब बताइए पहलवान वो कह रहे हैं उनके साथ गलत हुआ, शर्म करनी चाहिए। पीटी उषा जी भी तो मेडलिस्ट हैं, उनके साथ मतलब गलत किया, सीधे उनको मतलब उनके साथ इधर उधर हाथ मारना ये सही चीज है? न्याय पर अभी केजरीवाल साहब या राकेश टिकैत ने कुछ नहीं, इस पे बयान कहाँ से देंगे भाई, वो तो मतलब एक वो बता देंगे कि वो भाजपा ही है इस वजह से उनके साथ ऐसा हुआ है, उनके ऊपर वो बयान नहीं दे सकते हैं। और यही बात कही भी थी जब यहाँ पे पीटी उषा ने अपना स्टैंड रखा था, तो यहाँ पे अनुशासन की बात कही थी पीटी उषा ने, उसके बाद कहा गया कि हमें इनसे पीटी उषा से ये उम्मीद नहीं थी, और मुझे लगता है क्योंकि ये बीजेपी के साक्ष पे बीजेपी का साथ है इनका, इसीलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अच्छा मतलब अरे अब साक्ष कैसा आई है, वीडियो आ रहा है सामने, अब वीडियो पे यकीन नहीं करेंगी तो किस पे यकीन करेंगी? अब वीडियो पे अगर यकीन नहीं होगा तो किस चीज़ पे अब यकीन कर लेंगी? आंखों देखा हाल जो बता रहे हैं बच्चे, उन पे अगर यकीन नहीं होगा तो किस पे यकीन किया जाएगा? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप मान लीजिए माननीय बृजभूषण के ऊपर इसके पहले कोई यौन शोषण का आरोप लगाया है कोई? जो ये सब लगा रही है आरोप, ये सब बेबुनियाद है। ये बीते कुछ सालों का बता रही है ब्यौरा, पिछले सालों का साल, और कहाँ थी और कोई यौन शोषण? डर गई थी, डर गई थी, तो अब वो नहीं डर रही हैं। इतना जो बता रही हैं राकेश टिक्की और जो है कि हम उनके साथ हैं, वो लोग किसान हैं, तो क्या हम लोग किसान नहीं हैं? छह बार के सांसद हैं हम लोग भी किसान आदमी हैं, छह छह बार से सांसद हैं बृजभूषण मान लीजिए, उनके पास एक भी यौन उत्पीड़न का जो है केस है, कोई सबूत है? ऐसे कोई मुख्यमंत्री के ऊपर लगा दे या प्रधानमंत्री के ऊपर लगा दे या अखिलेश यादव जी के ऊपर लगा दे तो ये मान्य होगा? सांसद जी को कह तो रहे बृजभूषण जी को कि अब इनको पद छोड़ देना चाहिए? सांसद जी हमारे जो आदेश करेंगे तो हम लोग 5 करोड़ आदमी जो है जंतर मंतर घेरेंगे। 5 करोड़? 5 करोड़ आदमी। हाँ अगर माननीय सांसद जी का आदेश हो जाएगा तो हम लोग भी जंतर मंतर घेराव करेंगे। हाँ घेराव करेंगे हम लोग। ये समाज तो कह रहे बुलडोजर लेके पहुँच जाएंगे। हाँ बुलडोजर लेके पहुँचेंगे, हम लोग भी घेराव करेंगे। आप लोग भी घेराव? और क्या, इसका घेराव? ये बेबुनियाद है जो ये आरोप लगा रही है, ये सब बेबुनियाद है। ये एक बार नहीं सोचते कि जाकर एक बार सोचते नहीं है कि क्या पता उनके तरफ से कुछ बात हो, हम एक बार उनसे बात करें, उनसे पूछे कि क्या वजह है? नहीं जैसे देखो सुप्रीम कोर्ट जो है आदेश कर दिया, जब जब सत्य उसका आएगा तो अपने आप जो है गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है माननीय सांसद जी, तो ये लोग अपने घर पे जाएं, अनाप शनाप क्यों बोल रहे हैं? कोई ये आम आदमी है अरविंद केजरीवाल पर आप क्या कहेंगे? सब बैठे हुए तो हम लोग भी साथ हैं ना, उनसे कम साथ नहीं है बृजभूषण सिंह के साथ, और क्या, तो माननीय सांसद जी के हम लोग साथ हैं, अगर जरूरत पड़ेगा ना तो उनसे ज्यादा हम लोग संख्या में वहाँ पहुँच कर जंतर मंतर के साथ हैं। माननीय बृजभूषण सिंह के साथ। आप किनके साथ हैं? बृजभूषण के साथ हैं। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग घेराव करने का काम करेंगे। यहाँ पे तो आह्वान हो चुका है, एक बार ये बोर्ड दिखा दीजिए कि ये वही कॉलेज है, नेशनल कैडेट को राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि ये नंदनी नगर महाविद्यालय नवाबगंज गोंडा में उपलब्ध विशेष सुविधाएं, तो ये उनका कॉलेज है। तो फिलहाल जो विषय सामने आई है वो ये आई है कि बृजभूषण सनन सिंह जी के खिलाफ जो बातें आ रही है उस पर जांच चल रही है, अपनी कार्रवाई होगी और न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखना है। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल सनी के साथ रंजना उपाध्याय, नवाबगंज गोंडा।